देख सकते हैं आप मैच करते कि वाट लगी दिखी है बॉल खोजते खोजते संजू भाई सबस सबस ले हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मेरा नाम है रोशन सिंह, मैं हूँ उत्तराखंड के छोटे गांव से। तो एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी दिनों के बाद एक नए अंदाज के साथ मैं ब्लॉग लेके आ चुका हूँ आपके सामने। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी के बज रहे हैं 7:30 और पहाड़ों में धूप कुछ इस प्रकार की आ रही है और पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की धूप हमें देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप। और जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ उस पर तो अभी धूप आ नहीं रखी है। फिलहाल मैं आया था अपनी बकरी को बाहर निकालने, तो मैंने बकरियाँ बाहर निकाल दी है। मैंने अभी बकरियां बाहर निकाल दी है और बैल भी, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी बकरियां बांध रखी है। और दोस्तों आज काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे स्कूल की साइड पे एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसका आज है फाइनल मुकाबला। वहाँ दो मैच खेले जाएंगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो लगभग इंटरवल तक हमारा वो सेमीफाइनल हो जाएगा, तो फिर हम आपको फाइनल दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलो बने रहना हमारे वीडियो में, अभी चलते हैं घर, देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमारा कुत्ता यहाँ पर अभी धूप सेक रहा है कि आनंद तरीके से, डॉगी दिख रहा है या काला काला और ये देख सकते हैं नंगे पैर ऋषभ सिंह। हेलो 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 दोस्तों, फिलहाल मैं भी स्कूल के लिए रेडी होता हूँ और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है आज, क्योंकि अभी बहुत ब्लॉग शूट करना है मैंने। तो मैं भी स्कूल की तैयार होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ तब तक मेरे वीडियो के साथ। तो फाइनली दोस्तों मैं तैयार होकर आ चुका हूँ और अभी जा रहे हैं हम स्कूल, मिलाते हैं आपको अपने दोस्तों से, बने रहना वीडियो में। उसके बाद दिखाएंगे आपको मैच, एक फोन लेके जाता आज फाइनल, अभी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बने रहना वीडियो में। चलो चलते हैं फिर दोस्तों, अभी फिलहाल हम मैच देखने जा रहे हैं परेड बंक करके, आपको पता ही होगा। अरे क्या मेरा दोस्त है, इसका फिलहाल पैर टूटा था, अभी पैर को टूट तो अभी जा रहे हैं मैच देखने, और पीछे भी एक यूट्यूबर आ रहा है। तो गया दे रहा बेस्टिवल, ये बोल रहा है दोस्तों मैं गाली दे सकता हूँ, ये दे रहा है गाली यहाँ पर देखो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बिना किसी नुकसान के एक बार फिर से तैयार राजेश सामना कर रहे हैं विजय की गेंद में, का विजय की गेंद पटक लेगा प्रयास के ऊपर कर गया स्कॉलरशिप में, फील्डर्स के नीचे भाग रहे हैं, देखना कि गेंद बाउंड्री तक पहुंच पाती है अथवा नहीं। और इस बीच में दो रन पूरे कर लिए गए, चलो एक बार फिर से शुरू किए गेंद उठाकर गेंद गेंद से बहुत ही ऊंचा दस स्ट्रोक, निश्चित रूप से बाउंड के बाहर ही जाएगी और 6 रन राजेश के बल्ले से निकलने वाला है। एक और गगन और इस बीच बहुत ऊंचा दस स्ट्रोक, बहुत लंबा छक्का राजेश ने जड़ दिया इस गेंद के ऊपर, टीम का स्कोर इस चरण की 70 रन बिना किसी नुकसान के। छठे ओवर बलवीर की गेंद उठाकर खेला बलवीर की इस गेंद को, फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर और एक और छक्का बलवीर जो की कप्तान है सरजे टीम के, लगातार दो गेंदों में दो छक्के दे दिए राजेश को। देख सकते हैं आप मैच करते कि वाट लगी दिखी है बॉल खोजते खोजते संजू भाई इसके बाद होगा फाइनल, अब देखते हैं कौन जीतते हैं इन दोनों के बीच में से। सबस अरे आउट हुआ, अरे माँ यार
भैंस की मुड़ी बस रहे क्या कौन है पीछे उठा के मार दे लौंडे नाइस बहुत बड़े संतरा यो छक्का नहीं मारना तो दिए ले काफी रोमांचक स्थिति में मैच फंस चुका है। पहुंच चुकी है फाइनल में। तो देख सकते हैं दोस्तों इंटर कॉलेज के सभी छात्र पहुंच चुके हैं यहाँ। इनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। अगर खुशी देख सकते हैं बच्चों के मुंह पे खुशी देख सकते हैं। काफी तगड़ा टीम का मैच हो रहा है इस समय। पंचाली वर्सेस पतंजलि पब्लिक स्कूल वैशाली वेलफेयर। ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। विवाद होता हुआ मैच में थोड़ा। दोस्तों फिलहाल हो चुकी है हमारी छुट्टी और अभी आ रहे हैं हम मैच देखने। मेरा फोन 1% चार्ज है। अगर फाइनल दिखा सका तो ठीक, नहीं दिखा सका तो भाई ऐसे ही बता दूंगा मैं लिख करके। तो बने ना वीडियो में। अभी चल रहे हैं यहाँ फाइनल। मेरे साथ है मनमर सिंह सिरानी और अभी लास्ट एंड दिखाएंगे आपको। तब तक बने ना वीडियो के साथ। फाइनल मुकाबला उस आलम उर्दू को गोल रखकर है। यस देख सकते हैं आप फाइनल जीत चुकी है। पब्लिक स्कूल की टीम जो थी वो जीत चुकी है। इससे अगले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने पर इसमें नहीं टिक पाए हो। तो देख सकते हैं काफी रोमांचक हो रखा है इस समय। देख सकते हैं आप उनकी टीम की चेहरे पर खुशी।